25 सालों से तंबाकू और दारू का नशा करते थे और बता रहे ज़्यादा पैसा ये नशों में उड़ा देते थे। इनकी अपनी दुकान है, बता रहे काम भी ठीक से नहीं चलता था और जितनी कमाई होती थी उसमें कोई बरकत नहीं। अपोस्टल जी ये बता रहे हैं उस नशे के कारण हमेशा इनके शरीर में जकड़न रहती थी, इन्हें बंधा बंधा सा महसूस होता था और ये बता रहे हैं कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, पत्नी को मारपीट करते थे और इनकी बेटी साथ में, वो बता रही है कि हर समय झगड़ा देखते थे तो इन्हें लगता था कि हम मर ही जाएं। ऐसा ही था क्या? हाँ जी। नशे करके ये झगड़े करते थे? हाँ जी। लड़ाई करते थे, मम्मा को मारते भी थे? हाँ जी। ये डोंट वरी, ये आप समझ रहे हो ये पहले का जीवन है और हम शर्म नहीं करेंगे हमारा पहले वाला जीवन बताने के लिए, क्योंकि प्रभु की सामर्थ ने वो पुराना जीवन निकाल दिया और हमें आजाद करके नए जीवन में प्रवेश करा दिया। हालेलुया। ऐसा ही था, समझ रहे हो, वो बयान कर सकती है और उसका आनंद मैं देख पा रहा हूं कि प्रभु ने क्या काम उसके फादर में किया है, मैं देख पा रहा हूं, समझ रहे हो। एक बच्ची जो ऐसे माहौल को हर समय देखती हो उसे पता है। अपोस्टल जी बेटी बता रही है कि हम इतना डर जाते थे वो मारपीट देखकर, जब कुछ कर नहीं पाते थे तो सारे भाई बहन आपस में कहते थे कि इससे अच्छा हम मर ही जाएं। देख रहे हो, इससे अच्छा हम मर ही जाएं, सुसाइड कर लें, जीने का कोई फायदा नहीं है ऐसे वातावरण में। अपोस्टल जी भाई बता रहे हैं कि ये भी नशा छोड़ना चाहते थे, इन्होंने डॉक्टरी इलाज कराया, दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट, छोड़ने का प्रयास भी किया आपने? हाँ जी हाँ जी। क्या क्या प्रयास किया आपने? मैंने कई जगह में गया, तांत्रिक बाबुओं के पास भी गया और पूछ रहा कि ये कैसे छूटेगा और कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता। आपने पहले इलाज भी किया इन्होंने? हाँ जी, डॉक्टर इलाज भी किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पाया। ऑल राइट, की होया? बता रहे जब झाड़ फूक से भी कोई सुधार नहीं हुआ तो ये बता रहे बहुत निराश हो गए। फिर ये बता रहे किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और अप्रैल 2023 में ये सनौली चर्च आए और ये बता रहे हैं कि उसके बाद ये एक दिन अपनी दुकान पर बैठे थे और मम्मा जी का प्रचार सुन रहे थे और वो प्रचार नशों पर ही चल रहा था और मम्मा जी बोल रहे थे चाहे आप प्रभु में हैं पर जब तक आप खुद अपने घर से अपनी जेब से नशे नहीं निकाल कर फेंकते तो आपकी सहायता प्रभु नहीं कर पाएगा। ये बता रहे उस वचन ने इतनी जोर से इनके हृदय में काम किया, उसी समय दुकान से उठकर अपनी जेब से सारे तंबाकू के पैकेट बाहर फेंक दिए और जब घर गए उसी दिन रात को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे लगातार उल्टियां करी और उसके बाद जब सुबह उठे तो एकदम आजाद थे। कितना टाइम हो चुका है? अपोस्टल जी 7 महीने हो चुके भाई वो नशे से पूरी रीति से आजाद है, 25 सालों के नशे से। हाँ जी, ये भाई बता रहे हैं कि 25 साल से ये पान मसाले का, गुटखे का, सिगरेट का और बीयर आदि का नशा करते थे लगातार और बता रहे कि 24 घंटे इतना नशा करते थे आप। पास्टर जी मैं 25 सालों से इस तरीके से ग्रस्त था, मैं बहुत चाहता मैं इस चीज को छोड़ू पर नहीं छोड़ पाता था। क्या क्या नशा करते थे? मैं पान मसाला हुआ, पान उसके साथ और सिगरेट भी पीता था, बियर भी पीता था, ये सारे नशे करता था। सारे नशे करते जी पास्टर जी, क्या हुआ? ये भाई बता रहे कि 24 घंटे लगातार नशा करते थे और सोते समय भी इनके मुंह में नशा होता था और जेब में भी होता था। सोते समय भी? जी पास्टर जी। और जिसके कारण हर समय एडवांस में मेरे पॉकेट में रहता था। खत्म नहीं होने देना, एडवांस में पहले से ही पड़ा है। हाँ, मुंह खराब हो गया था इनका। हाँ जी, और बता रहे इनसे खाना भी नहीं खाया जाता था और अगर कुछ भी मिर्ची खाते थे बर्दाश्त नहीं हो पाते थी और इनको खाना फीका खाना पड़ता था। पास्टर जी फीका खाना खाते थे आप? जी पास्टर जी बिल्कुल, मिर्ची खाई नहीं जाती थी। फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर से दवाई ली, डॉक्टर ने बोला ये चीज छोड़ दो, पान मसाला सही हो जाएगा मुँह, पर फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा था। पान मसाला छोड़ ही नहीं पा रहे थे? नहीं छोड़ पाता था, चाहे मिर्ची ना खाएं बट पान मसाला चाहिए मुझे। जी पास्टर जी नहीं छोड़ पाता। क्या भाई बता रहे कि पानी भी पीते थे, पानी भी लगता था बहुत ज्यादा और इनके जो दांत है वो घिस चुके थे, काफी दांत टूट चुके थे पास्टर जी और इनको घर वाले बोलते छोड़ने के लिए लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे और काफी पैसा अपना नशों में खराब कर चुके थे। अब लत देख रहे हो, दांत भी घिस, मिर्ची वाला कुछ खा भी नहीं पा रहा, सारी स्थिति खराब हो चुकी है फिर भी इतनी बड़ी लत की छोड़ ही नहीं पा रहा। ये भाई बता रहे कि इनकी बहन ने इन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये भाई 9 जुलाई 2023 को पहली बार KMM चर्च में आए और ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पर आए गवाहियां सुन रहे थे और गवाहियां सुनते सुनते भाई बता रहे हैं कि मुझे मेरा विश्वास है कि प्रभु जब इनको चंगा कर सकता है तो मुझे भी चंगा करेगा और उसके बाद जब पास्टर जी घोषणा कर रहे थे खुदावंद नशों से आजाद कर रहा है।
ये भाई बता रहे जब पास घोषणा करते इन्होंने विश्वास का घोषणा को ग्रहण किया और आज पूरा 1.5 महीना हो चुका है ये नशे से पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं, इन्हें नशे को टच तक नहीं किया पास्टर जी, पूरी रीति से फ्री हो चुके हैं, पूरा 1.5 महीना हो चुका है जी पास्टर जी, कोई पान मसाला नहीं, कुछ नहीं पास्टर जी, बिल्कुल कोई गुटखा नहीं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आजाद। तारीफ करो जोर से, 25 साल के बाद, उससे पहले भी हमने सिम गवाई, अब देख रहे हो, वन टच।